डांस न्यूज़। हमीरपुर में कक्षा 4 में पढ़ने वाले छात्र ने तैयार कर लिया दोनों तरफ चलने वाला पंखा। मैच 3 दिन में कबाड़ के समान से किया गया तैयार। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में किस कदर की प्रतिभाएं छिपी हैं, इसका उदाहरण आज टेढ़ा गांव में देखने को मिला है। शिक्षकों की प्रेरणा से कक्षा 4 के एक होनहार छात्र ने 3 दिन में कबाड़ के समान से हवा देने वाला पंखा बनाकर सभी को चौंका दिया। कमाल की बात यह है कि यूट्यूब के माध्यम से तैयार किया गया इस पंखे को छात्र ने दोनों तरफ चलने वाला पंखा बनाया है। यह आगे की तरफ भी हवा देने के साथ साथ पीछे की तरफ भी हवा फेंकने की क्षमता रखता है। मैच 9 साल के छात्र की इस कामयाबी पर विद्यालय के सभी शिक्षक भी अचंभित रह गए। टेढ़ा गांव में निवासी गोल्डी सिंह का पुत्र आनंद विक्रम सिंह 9 वर्ष गांव की प्राथमिक विद्यालय के इंग्लिश मीडियम में कक्षा 4 का छात्र है। यहाँ के प्रधानाध्यापक यूटा के मंडल अध्यक्ष रमाकांत शुक्ला ने बताया कि खाली समय बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। बता दें कि इनको शिक्षा के साथ साथ अन्य जानकारियाँ भी मिल सकें। वहीं विद्यालय के छात्र ने कबाड़ के सामान की मदद से यूट्यूब की मिली जानकारी से टेबल फैन मात्र 3 दिन में बनाकर सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिसको देखकर सभी शिक्षक एवं छात्र अचंभित हो गए। छात्र ने बताया कि पंखा तैयार करने में बेकार पड़े LED बल्ब के खोखे, क्रीम के खाली डिब्बे का उपयोग किया गया है। कमाल की बात तो यह रही कि छात्र का जब यह टेबल फैन आगे हवा देने के साथ साथ पीछे भी हवा दे रहा है,